नमो राघवाय। हम आज आपको देसी तरीके से नाश्ता बनाना सिखाएंगे। इसमें हमने सारी सब्जी डाल लेंगे, शिमला मिर्ची लो, पनीर लो, गोभी लो, मटर लो, हरी मिर्ची लो, हरी धनिया लो, सबको डाल दिया। और इसमें हमने मिलाया, ये रखा है हमारा देखो चावल का आटा, ये आपको दिख गया, ये हमने चावल का आटा इसमें डाल लिया है। और क्या डाला है हमने, और इसमें बेसन डाला है। और बेसन की चीज में डालो आप अजवाइन, फिर आप कभी अपने बड़े बूढ़ों को खिला के देखना कि कितना अच्छा नाश्ता बनता है। और फिर इसको देखो कितनी जल्दी ये कढ़ाई में सिकेगा। तेल डाल दो और बड़े 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 ऐसे करके ऐसे बना लो ऐसे। इसमें सब डालना, शिमला मिर्ची भी डालना, बंद गोभी डालना, और इसमें हरी मिर्ची डालना, हरी धनिया डालना, अदरक, अजवाइन, बेसन और चावल का आटा मिक्स, दोनों तरह के आटे। क्योंकि जब चावल का आटा आप डालोगे बेसन के साथ तो थोड़े जो क्रिस्पी बोल लो, कुरकुरे बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो अपने गांव वाली भाषा में बोल पाएंगे भैया कि कुरकुरे, बड़े बड़े कुरकुरे कुरकुरे बने, मंगौरा बनते थे तो हमारी दादी बोलती थी अरे अरे भैया बड़े कुरकुरे बने हैं। थोड़े भी कम सेके रह जाते हैं, अरे जे का सेके हैं, थोड़े कुरकुरे क्यों नहीं सेके, तो जे अपनी देहाती भाषा। और फिर जब जब कुरकुरे कुरकुरे बन के तैयार होते हैं, फिर खाने में स्वाद में खा लो, टमाटर सॉस से, चटनी से, इससे उससे खा लो, लेकिन फिर इनको फिर खाओ आप एक दिन खीर के साथ, क्योंकि हम लोग तो इसे खीर के साथ ही खाते हैं। खीर के साथ खाने का कुछ स्वाद ही अलग रहता है, तो खीर के साथ खाए हो ऐसे डाल देते अपन। और वो करने के बाद फिर हमारा ये सेक आओ, फिर इसको थोड़े एकदम लाल 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 लाल, जैसे हमने कुछ सेक वेक के भी रख लिए हैं आप लोगों दिखाने ले, जैसे ये। और फिर इन्हें देखे ना किस तरह से, जो देखो देख क्या कुड़ोर कुड़ोर बोल रहे, कुड़ोर कुड़ोर बोल रहे ऐसे बोलते हैं जी। देख एकदम ये चावल का जब आटा डल जाता है इसमें तो बहुत कुरकुरे हो जाते हैं जी। और फिर खाओ आप ये जो खीर रखी है, इस खीर के साथ बड़े स्वाद से ऐसे खीर के साथ, ये खीर के साथ खाओ। धुआं उड़ती हुई खीर और धुआं उड़ता हुआ मंगौरा, मंगौरा बोल लो, पुगा बोल लो, ऐसे मंगौरा तो मूंग की दाल का होता है, और दिल्ली तो मूंग की दाल के को भी बोलते हैं लड्डू, मूंग की दाल का लड्डू, मूंग की दाल देहाती भाषाओं से मंगौरा। और इसको बोलते हैं पुगा, बेसन का पुगा बोल लो, है मिक्स पुआ बोल लो, और इसे तुम कुछ भी कह लो सर्दी का। और इतना जल्दी बस कुछ नहीं, सारी सब्जी काटो झटपट से, बेसन मिलाओ, चावल का आटा डालो, और दो मिनट में तेज के एक साइड कढ़ाई रख दियो जल्दी जल्दी ऐसे। और जब तक तेल गर्म हो तब तक झट से जी मिला मलू के, झट से बैठा रहो लोग, तब तक बन के नाश्ता तैयार होता है फटाफट, और खिलाओ उसे अपने स्वाद के साथ। इतना बढ़िया टेस्टी नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा कि अजय झमेला न पड़ना। और खीर के साथ फिर खाना, सॉस वॉस तो बहुत खाया होगा आपने, टमाटर की चटनी के साथ खाया होगा, लेकिन एक बार हमारे कहने से आप इसको खीर के साथ खा के देखो, फिर आपको कितना टेस्टी लगता है। और बेसन में मिलाना चावल का आटा, चावल का आटा मिलाने से आपका बहुत वो बन जाएगा। थोड़ा सा रवा और डाल लेना, रवा डालने से ये इसमें वो नहीं पीता है पानी, जो एकदम तेल बहुत ले लेते हैं। अब इसको देखना तुम, इसमें देखो कहीं भी देखो ऐसे हो रहा है, देखो ये पनीर है, ये पनीर मैंने डाल दिया था ना, ये पनीर पनीर ऐसे फूट गई, और देखो अंदर भी कैसे एकदम बढ़िया सेक के तैयार हुआ, ऐसे हो गया बिल्कुल रेडी। और देखो हाथ से कहीं तेल आपको दिख रहा है, बिल्कुल इसमें तेल नहीं रहता, देखो कहीं भी क्या किसी भी तरह से। तो इसमें रवा भी थोड़ा सा डाल लेते हैं अपन तो और भी अच्छा हो जाता है, मैं भूल गई थी सॉरी रवा बताने के लिए, मैंने रवा भी डाला इसमें। और फिर बनाओ और खा के देखो, और भैया देसी नाश्ता और खाने का लो आनंद, क्योंकि ज्यादा तेल वाली चीज तो दिक्कत देती है। लोहा की कढ़ाई में बनाया करो, सिल्वर की कढ़ाई में चीज अच्छी नहीं बनती है और बीमारी हो जाती है शरीर, इसलिए लोहा की कढ़ाई में बनाया करो। लोहा की कढ़ाई
बहुत ही शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। नमो राघवा जय जय श्री सीताराम। खाओ खीर और मिक्स पुए, लो लो प्रभु का नाम और हो जाओ मस्त तबीयत खुश। नमो राघवाय, नमो राघवाय।